हमारा पहला सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो अंधेरे में भी देख सकता है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट जरूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है चीता। दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा प्राणी है जो नर से मादा बन सकता है? इसका सही आंसर है ऑक्टोपस। तीसरा सवाल है, मछलियों का राजा किस मछली को कहा जाता है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर है सार्क मछली को। चौथा सवाल है, पेड़ पर लगने वाला विश्व का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब कमेंट नहीं किया है, तो अपना जवाब कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है कटहल। पांचवा सवाल है, किस देश में कपड़े पर अखबार छपता है? इसका सही आंसर है स्पेन देश में। छठवां सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म कौन सी थी? इसका सही आंसर है शोले। सातवां सवाल है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता? दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर है हमिंग बर्ड। आठवां सवाल है, भारत में बांस की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब कमेंट नहीं किया है, तो कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है बिहार में। नौवां सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो अगर आप रोज़ सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहें। इसका सही आंसर है हैदराबाद में। दसवां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सिनेमा घर कौन सा है? इसका सही आंसर है रेडियो सिटी म्यूजियम हॉल, जो कि न्यूयॉर्क में है। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।